अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। फिर लास्ट वीक या हमारे सेल्स वाला को कमो बेश हो गए हैं 10 से 12 दिन ऑलमोस्ट। तो वो बातचीत चीज़ें माशाल्लाह जिन जिन लोगों की चल रही हैं वो भी उस प्रोग्रेस में हैं, लेकिन कुछ कुछ उसकी क्लोजिंग होनी शुरू हो गई है। तो कोशिश हमने यही करनी है कि उसे मैक्सिमम स्पीडली हम कंप्लीट करें, उसे क्लोज करें, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी पाइपलाइन में हैं। लेकिन हमारी ये इकोनॉमिक कंडीशन या बाकियों को देखते हुए हमने खुद ही इंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें अभी साइड पे प्लान रखे हुए हैं कि जैसे ही वो चीज़ें कुछ ठीक हों हमें एक्सटर्नल सपोर्ट भी कुछ मिले, क्योंकि अब दो चीज़ों से चल सकते हो, एक आपकी इंटरनल सपोर्ट है, एक आपकी एक्सटर्नल सपोर्ट है। इंटरनल भी एक खास हद तक जोर लगता है, एक्सटर्नल भी एक खास हद तक जोर लगता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपको कि सारा जोर इंटरनल लगता रहे और सारे मामला चलते रहे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की आपको कहीं ना कहीं नीड पड़ती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें भी ओके हो जाएंगी, लेकिन एक इंटरनली माशाल्लाह जो लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, जिससे चीज़ें चलती जा रही हैं, वो माशाल्लाह हमारे परफॉर्मर ऑफ द वीक हमजा इदरीस और लीडर ऑफ द वीक प्रकाश है। तो अभी रिसना भी हसन भाई बात कर रही थी कि हमारा जो लास्ट सेल्स गाला गुजरा अभी जो हमने रिसेंटली, तो अभी मीटिंग में भी इसी को लेकर डिस्कशन हो रही थी कि उस इवेंट का जो पर्पज़ है ना वो हमें पूरा करना है, ठीक है, हमें अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना है इस मंथ के अंदर, क्योंकि रेट्स भी इंक्रीज़ होने वाले हैं पीजीसी से रिलेटेड, ठीक है, बल्कि शायद रिलीज हो ही गए हैं, ठीक हो ही गए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि यार अपना जो हमारा अभी जो सेल्स गाला हुआ है ना इसके रिजल्ट्स, क्योंकि 10-15 दिन लग जाते हैं, लेकिन आप सबके लिए यही होगा कि इन 10-15 दिन के अलावा टाइम नहीं है, ठीक है, उसके बाद नए रेट्स फिर नई बातें और नए रेट्स पे फिर फिर इस वीक की अगर बात करें तो हमजा की माशाल्लाह सेल्स उसी से रिलेटेड थी, ठीक है, सेल्स गाला से रिलेटेड थी, उससे चंद दिन पहले सारा हुआ था सेल्स गाला पे वो लोग आए थे। तो जितना इधर मैच्योर कि हमने सेल्स उसको कन्वर्ट किया है सेल्स के अंदर सारी, आप सबसे भी यही है कि इंशाल्लाह इसको जो है इवेंट को क्लोज करें, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। किसी भी जगह पर रुकना नहीं चाहिए, मतलब एक पर्सन है वो कहता है यार इस वीक की ये इस महीने की सेल्स 1 हो गई हैं 2 हो गई हैं 3 हो गई, ये ख़त्म कर दें, ठीक है। इससे इंसान अपने आप में ही जो है ना वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है कि यार चीज़ें अब स्लो होना शुरू हो गई हैं, हालांकि वो स्लो बाहर से नहीं हुई होती, स्लो इंसान अंदर से कर देता है चीज़ों को, ठीक है। हम भी देख रहे हैं चीज़ों को, मैं अपनी टीम को भी असेस कर रहा हूँ, बाकियों को भी देख रहा हूँ, ठीक। जो बंदा 2-3 सेल्स कर लेता है ना वो रिलैक्स हो जाता है कि यार चलो महीना 2 तो गुजर जाएगा, अब मुझे कोई पूछने वाला एटलीस्ट नहीं होगा, ठीक है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी फील्ड जिस तरह हम लेकर चल रहे हैं अपनी चीज़ों को राजी के प्लेटफॉर्म पे या जिस हम अपने प्रोडक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, उसमें हम प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ चलना चाह रहे हैं। कभी भी इस तरह की डिफेंसिव अप्रोच या ये देखना कि यार अब हम सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड तब तक नहीं है जब तक हमारा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता, ठीक है, या जब तक हम अपनी सेल्स ऑफिशियली क्लोज नहीं कर देते, ठीक है, तब तक कोई पर्सन रिलैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं मुबारक दूंगा हमजा को, शेख साहब को, एमजी एसोसिएट्स को, जो कि हमारे साथ माशाल्लाह अच्छा चल रहे हैं, ठीक, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनकी बहुत सारी नई सेल्स भी क्लोज़ होने वाली हैं, ठीक है। तो भाई बहुत मुबारक हो।